हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू हियर देन हाय, आई एम मन रॉय, आई एम ए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। मैं मेरे चैनल पे मेकअप एंड स्किन केयर रिलेटेड कंटेंट अपलोड करती हूँ। एवरी ट्यूजडे एंड थर्सडे यू विल गेट न्यू वीडियो ऑन माय चैनल, सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 5 मेकअप प्रोडक्ट्स अंडर 300। तो इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था अंडर 200, तो आज है अंडर 300। पर जो भी प्रोडक्ट है सच में ये ऑसम प्रोडक्ट है और मेरा फेवरेट है। तो सबसे फर्स्ट जो प्रोडक्ट है ये है मेबेलिन फिटमिका मैट पोरलेस फाउंडेशन। ये फाउंडेशन जो इसका मिनी पैकेजिंग है, ये जो लार्जर पैकेजिंग है उसका प्राइस तो 500 समथिंग है, बट ये जो मिनी पैकेजिंग है इसका प्राइस है ओनली 299 रुपीज। और ये फाउंडेशन सिर्फ अभी मुझे पसंद नहीं है, ये काफी टाइम से, मतलब काफी साल से ये मेरा फेवरेट फाउंडेशन है। उसके बाद चाहे मैं जितना भी फाउंडेशन यूज कर लूँ, इसका एक अलग ही जगह है। रीजन ये है कि ये फाउंडेशन ब्लेंड बहुत इजीली होता है और इसका जो फिनिशिंग है एकदम नेचुरल रहता है आपके स्किन पे। ऑल्सो ये हर स्किन टाइप पे सूट करता है। अगर आपका ऑयली स्किन है तब भी आप ये फाउंडेशन यूज कर सकते हो, ड्राई स्किन पे भी आप ये फाउंडेशन यूज कर सकते हो। और एक चीज है, ये फाउंडेशन ऐसा फाउंडेशन है जिसको आप एवरीडे के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ऑल्सो पार्टी मेकअप के लिए भी इसको आप बिल्डेबल कवर जो है वैसा क्रिएट करके अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा फाउंडेशन है जो कि सबके पास होना चाहिए। अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया है देन डेफिनेटली एक बार ट्राई कर सकते हो। इसमें मेरा जो शेड है वो है 230 नेचुरल पफ। सेकेंड, मैं आपके साथ एक लिपस्टिक शेयर करने वाली हूँ। ये लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है और इसका जो मिनी पैकेजिंग है वो अंडर 300 में है। मैं बात कर रही हूँ नायका का अल्ट्रा मैट लिपस्टिक के बारे में। ये जितने भी मैंने आज तक बुलेट लिपस्टिक अप्लाई किया है मुझे सबसे ज्यादा ये पसंद आया है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बहुत बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। आप जैसे लिक्विड मैट लिपस्टिक लगा के कुछ भी खाते हो या लॉन्ग टाइम के लिए आपका लिपस्टिक जो जैसा अप्लाई करते हो वैसा ही रहता है, ये बुलेट लिपस्टिक भी एग्जैक्टली वैसा ही है। आपको रीअप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, इतने अच्छे से अप्लाई हो जाता है। अप्लाई करते टाइम बहुत ही क्रीमी कंसिस्टेंसी रहता है, उसके बाद सेट हो जाता है, फुल मैट लुक देता है, पिगमेंटेड है एंड लॉन्ग लास्टिंग है। तो मुझे लगता है इसका जो मिनी पैकेजिंग है आप एक बार ट्राई कर ही सकते हो। मिनी पैकेजिंग में क्वांटिटी उतना ज्यादा नहीं रहता है, आप देख सकते हो। ये थोड़ा बहुत मैंने यूज किया है 3-4 बार, उसके बाद इतना है। फिर भी मैं कहूंगी लिपस्टिक अगर आपके पास बहुत ज्यादा है, एंड मुझे लगता है लार्जर पैकेजिंग जो है उससे ज्यादा सही रहता है मिनी पैकेजिंग। और इसमें बहुत सारे शेड्स है, अगर आप शेड रेफरेंस जानना चाहते हो तो मैं कहूंगी डायना एक ऐसा शेड है आपको जरूर यूज करना चाहिए। ऑल स्किन टोन में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ब्यूटीफुल न्यूड शेड है। ऑल्सो मोनालिसा, जेन, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे शेड्स है। मैंने इसके ऊपर अलग से स्वॉच वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो उस पर आपको अच्छे से पता चल जाएगा। सो थर्ड वन इज स्विस ब्यूटी हाइलाइटर। ये हाइलाइटर मैंने लास्ट ईयर लिया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसका जो शेड है शैम्पेन टाइप का शेड है, मेरे पास जो शेड है 05। और इस हाइलाइटर का जो टेक्सचर है बहुत ही अच्छा, एकदम सॉफ्ट है। और सबसे अच्छी बात है कि ये एकदम जैसे कि एक्सपेंसिव हाइलाइटर होता है, फुल ब्लाइंडिंग आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा एक ब्लाइंडिंग हाइलाइटर है। इसमें कोई भी चंकी ग्लिटर नहीं है, स्मूथली ब्लेंड हो जाता है एंड बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव लुक देता है। जैसे कि आपको हाई एंड हाइलाइटर लगा के जो लुक मिलेगा एग्जैक्टली सेम लुक आपको इसमें मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है, तो आप अपने स्किन टोन के हिसाब से या फिर अपने चॉइस के हिसाब से शेड जो है चूज कर सकते हो। इस हाइलाइटर का प्राइस है ओनली 299, तो मुझे लगता है 300 के अंदर इससे बेस्ट आपको और कोई भी दूसरा हाइलाइटर नहीं मिलेगा, ये सबसे बेस्ट है। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है स्विस ब्यूटी का कंसीलर। ये एक फुल कवरेज कंसीलर है, इसका प्राइस है 199 रुपीज। इसकी पैकेजिंग और एप्लीकेटर में खास कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। पर अगर इसकी कवरेज की बात करूँ ये बहुत अच्छा कवरेज है। ऑल्सो ये फुल पिगमेंटेड है, बहुत ही अच्छा लॉन्ग लास्टिंग कंसीलर है। 199 में मतलब आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आज के टाइम एक कंसीलर से, आपको लगेगा एक नॉर्मली कंसीलर होगा, पर नहीं, ये बाकी नॉर्मल कंसीलर की तरह नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छा कंसीलर है। एक्सपेंसिव कंसीलर जैसा होता है एग्जैक्टली वैसा ही है। इसका कवरेज बहुत बहुत अच्छा है और मोस्टली ऐसा होता है जो कि फुल कवरेज और मैटिफाइंग कंसीलर होता है वो अप्लाई करने में प्रॉब्लम होता है, थोड़ा बहुत रहता है। इसमें ऐसा नहीं है, ये बहुत ही क्रीमी कंसिस्टेंसी है, जब आप अप्लाई करोगे बहुत इजीली ब्लेंड हो जाएगा, बट उसके बाद एकदम फुल मैट होके सेट हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग बनता है, उतना क्रीज का प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड सबसे अच्छी बात है इसका कवरेज मुझे बहुत पसंद है। बस एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि इस कंसीलर में उतना ज्यादा शेड रेंज नहीं है। मैं जो शेड यूज करती हूँ ये है 04, पर ये उतना ज्यादा मेरे स्किन टोन के साथ मैच नहीं करता है, मतलब इसका जो अंडरटोन है उतना ज्यादा येलो या वार्म अंडरटोन नहीं है। तो वार्म अंडरटोन या फिर येलो अंडरटोन वाले शेड जो है बहुत ही कम है, 3 या 4 शेड है जो मोस्टली फेयर या फिर पिंक अंडरटोन के लिए सही है। तो शेड अगर इसमें मिल जाएगा तो मुझे लगता है इससे
रेस्ट और कोई भी कंसीलर नहीं होगा। बाकी अगर आपके स्किन टोन के हिसाब से अगर आपको शेड मिलता है तो मैं जरूर कहूंगी आपको जरूर जरूर लेना चाहिए। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो प्रोडक्ट है ये भी एक कंसीलर है, बट ये कंसीलर पैलेट है। ये है इनसाइड का HD कंसीलर पैलेट, कुछ इस टाइप का है जैसे कि मैक का कंसीलर पैलेट है, एग्जैक्टली उसी का ये ड्यूप है। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने लिया था, इसका फर्स्ट इंप्रेशन मैंने मेरे वीडियो पे शेयर किया है, मुझे उतना पसंद नहीं आया था, बहुत ज्यादा ऑयली लगा था, पर धीरे धीरे मुझे ये कंसीलर पैलेट बहुत अच्छा लगने लगा है। रीजन एक है कि इसमें तो बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है ही, आपको करेक्टर शेड, कंसीलर शेड, कंटूर शेड सब मिल जाएगा। दूसरी बात यह है जो मुझे पसंद आया है, इसका जो टेक्सचर है फुल क्रीमी है, वो मैंने फर्स्ट इंप्रेशन में भी शेयर किया था कि बहुत ज्यादा ऑयलीनेस सा लगता है, पर इस टाइप की जो कंसिस्टेंसी कंसीलर होता है वो आपके स्किन पे उतना ज्यादा कवरेज नहीं देता है, पर इस कंसीलर के साथ ऐसा नहीं है। इसका कंसिस्टेंसी चाहे जितना भी क्रीमी हो, इसका जो कवरेज है जस्ट माइंड ब्लोइंग है, मुझे बहुत पसंद आया इसका कवरेज। अगर आपको फुल कवरेज कंसीलर पसंद है, बिकॉज मैं तो फुल कवरेज कंसीलर का फैन हूं, मुझे कंसीलर फुल कवरेज के अलावा अच्छा ही नहीं लगता है, तो अगर आपको फुल कवरेज कंसीलर पसंद है पर आपको जो ड्राइनेस कंसीलर होता है या फिर मैटिफाइंग कंसीलर है वो पसंद नहीं, आपको क्रीमीनेस में फुल कवरेज चाहिए, देन ये मैं कहूंगी आपके लिए बेस्ट है। और इसका प्राइस है ओनली 285 रुपीज। इसमें आपको तीन पैलेट मिलते हैं, ये वाला जो है ये मीडियम स्किन टोन वाला मैंने लिया है, और एक फेयर स्किन टोन वाला मिलता है, और एक डस्क स्किन टोन वाला मिलता है। तो ये मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी, आप एक बार ट्राई करके देख सकते। जो भी मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाया है ये मेरा सच में करेंट फेवरेट नहीं है, सिर्फ ये काफी टाइम से फेवरेट है, ये वाला मैंने रिसेंट लिया है, तो जो मैंने रिसेंट लिया है मैं आपको साथ शेयर कर रही हूं। पर कुछ जैसे कि मेबेलिन ट्रीट मी फाउंडेशन कहो, नायका का अल्ट्रा मैट लिपस्टिक कहो, ये मेरा काफी टाइम से फेवरेट है और मैं बहुत सारे वीडियो में इसके बारे में बात करती हूँ। आज मैंने सोचा कि उन्हें एक ही वीडियो पे मैं एक प्राइस रेंज के अंदर आपके साथ शेयर करती हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है, देन प्लीज लाइक कमेंट कीजिएगा। और अगर आप काफी टाइम से मेरा वीडियो देखते हो पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन किस बात का आप इंतजार कर रहे हो, जरूर सब्सक्राइब कर दो, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर क्लिक करना, इससे मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आप इस टाइप के और भी वीडियो देखना चाहते हो बट शॉर्ट टाइम के अंदर शॉर्ट्स वीडियो देखना चाहते हो, देन आप मेरा शॉर्ट्स का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।